अक्सर जब भी हम कार खरीदने का सपना देखते हैं तो कार खरीदते समय हमारे दिमाग में उस कार की माइलेज को लेकर काफ़ी चिंता होती है। आज के समय में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है तो ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि वह ऐसा वाहन खरीदे जिसका माइलेज ज़्यादा हो और हमारे जेब पर अतिरिक्त भार न डाले। ऐसे में हम ज़्यादा माइलेज वाले वाहनों को खरीदने की इच्छा रखते हैं, परंतु ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई कार का माइलेज अपनी सुविधा के हिसाब से मिल सके। तो आइए जानते हैं इस कार के बारे में जिसका माइलेज ज़्यादा हो और हमारे जेब पर अतिरिक्त भार न डाले। नमस्कार, मेरा नाम है मंटन और आज के इस संदेश में हम बात करेंगे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार वोल्वो XC90 के बारे में। वोल्वो XC90 के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह कार 42 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज दे रही है। यदि भारत में लॉन्च होने वाली कार की बात की जाए तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिसकी कुछ कार बहुत ही अच्छा माइलेज देती है। इन कंपनियों में मारुति सुजुकी की कार टॉप लेवल की कार होती है। माइलेज के मामले में मारुति सुजुकी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करती है। हम जानते हैं कि मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च की गई स्विफ्ट डिजायर कार का माइलेज बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर कार का माइलेज काफ़ी अच्छा था। यह कार 1 लीटर में 24 किलोमीटर तक का माइलेज देती थी। ऐसे में लोगों का झुकाव अधिक से अधिक स्विफ्ट डिजायर की तरफ बढ़ता चला गया। लोग इस कार को वैल्यू फॉर मनी कहकर पुकारने लगे। वहीं इस कार की कीमत 6 लाख से 9 लाख के बीच में रही, परंतु इससे भी अच्छा माइलेज देने वाली कार वोल्वो XC90 लॉन्च की गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लॉन्च की गई यह वोल्वो XC90 कार 42 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज दे सकती है। यह कार एक प्रीमियम SUV मॉडल है जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस कार के पिकअप की बात की जाए तो यह केवल 5 सेकेंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। ऐसे में कीमत भले ही इस कार की अन्य कार के मुकाबले ज़्यादा हो, परंतु माइलेज के मुकाबले में यह कार अन्य कार के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वहीं इस कार की कीमत की बात की जाए तो यह कार आपको 1.31 करोड़ यानी 1 करोड़ 31 लाख रुपए में प्राप्त हो जाएगी। तो वोल्वो XC90 के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि इस संदेश को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि इस संदेश को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।